नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे सवाल किया था कि सर आपने बहुत सारा बता दिया कि सीपीसीटी किन किन पदों पर योग्यता के रूप में मांगी जाती है, लेकिन ये तो बताया नहीं सर कि सीपीसीटी का एग्जाम कब होगा, उसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होगी। तो मैं आज आपको इस बारे में जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, सीपीसीटी की वेबसाइट पर आपको हर वर्ष का अनुमानित कैलेंडर, जैसे पिछले बार वर्ष 2023-24 का कैलेंडर अपलोड किया गया था, इस बार 24-25 के लिए कैलेंडर अपलोड किया जा चुका है। वर्ष 2024 मतलब जुलाई 2024 से मार्च 2025 के बीच में कुल 5 बार विद्यार्थियों को मौका मिलेगा सीपीसीटी एग्जाम को पास करने का। हालांकि मैं आपको सलाह दूंगा, आप एक बार में ही बढ़िया प्रैक्टिस करके थोड़ा बहुत कंप्यूटर का ज्ञान एकत्रित करके इस टेस्ट को एक ही बार में पास कर लें और सारी झंझट खत्म कर दें, ताकि दिमाग से एक लोड दूर हो जाए कि यार सीपीसीटी बीच में पड़ा हुआ है, तो जल्दी से उसको क्लियर करें। 5 मौके आपके पास वर्ष 2024 से 25 के बीच में है, जुलाई 24, सितंबर 24, नवंबर 24, जनवरी 25 और मार्च 25 में आपको यह एग्जाम देखने को मिलेगा। तो हर विद्यार्थी कितनी भी बार इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और कहाँ से कैलेंडर प्राप्त होता है, तो आप जब लिखेंगे ना सीपीसीटी कैलेंडर 2024-25, तो आपको ऑटोमेटिकली कैलेंडर का पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा सीपीसीटी की साइट पर, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज को, यहाँ पर डिस्क्लेमर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर कहा गया है कि कोशिश की जाएगी कि इन डेट्स को ही आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। और ऐसा होता भी है, लेकिन किसी भी कारणवश यदि चेंज होती है डेट, तो आपको पहले से नोटिस दे दिया जाएगा कि हाँ भाई, जो एग्जाम मान लीजिए 10 जनवरी को होना था, उसको चेंज करके इस डेट को निर्धारित किया गया है। तो बस इतनी सी बात थी जो इस वीडियो में करनी थी। बस मेहनत करनी है आपको, पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, तब तक नहीं रुकना जब तक आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं होती। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।